फरवरी से मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज समापन किया गया, जिसके चलते विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने शिरकत की थी। यह प्रतियोगिताओं का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि इसके माध्यम से छात्र छात्राओं को यातायात संबंधी नियम एवं कायदे कानूनों के बारे में बताया जाए। इन प्रतियोगिताओं में चयनित छात्र छात्राओं को आज यातायात सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। दिन भर जो हमारा जो सड़क सुरक्षा सप्ताह चला, दिनांक 4 फरवरी से इसका समापन का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित है। इसमें समय समय पर विद्यालयों में जाकर हमारे DSP साहब ने आते जाए जल्दी जल्दी संजय साहू राहुल आदिवासी करण अहिरवार नितिन प्रताप सिंह राहुल यादव, इसको पूरी जानकारी है, इसको आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। वरिष्ठ अध्यापक MLV गुना में भी हमारे स्काउट गाइड ने, जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक यातायात सप्ताह का आयोजन किया गया था। विभिन्न कार्यक्रम कराए गए थे, इसके अंतर्गत ब्लड डोनेशन कैंप, लर्निंग लाइसेंस कैंप, नेत्र परीक्षण शिविर इत्यादि बहुत सारी कार्रवाई कराई गई थी, गतिविधियाँ संचालित हुई थी। इसके अतिरिक्त स्कूलों में जाकर निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता जैसे आयोजन भी कराए गए थे। इन सभी चीज़ों का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा यातायात शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। आज इसका औपचारिक समापन है, यातायात सप्ताह संपन्न हुआ है और इसकी औपचारिक घोषणा करने के लिए यह आयोजन किया गया।